दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, आपका खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है ये 16 अगस्त को होगा। कुछ दिन ही शेष बचे हैं, तो आप अपने रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। दूसरा क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन सी, तक्षशिला। तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। पांचवा क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सातवां क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आठवां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अगला है क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, जेवी कृपलानी। दसवां क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन बी, मेजर बानो। ग्यारहवा क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। बारहवा क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन बी, लीडर। तेरहवा क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन डी, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड ग्रेविल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें जो दी गई हैं? क्रमशः 71 व 147। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ऑप्शन बी, बिहार। सूची एक, सूची दो में देखिए सुमेलित करना है। सूची एक में है प्राकृतिक आपदाएं, सूची दो में है प्रदेश। देखिए मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन जो बी है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, भारत में उत्पाद कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? पहला है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा ही, चौथा ही, तीसरा ही है? कूट में आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी जो है आपका दूसरा और चौथा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42 बार। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर प्रारंभ की गई है की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी आंध्र प्रदेश। 29वां क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? वर्ष 2026। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, केंद्रीय सरकार का है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? वर्ष 1921। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी, ब्याज दर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए देख लिए, देखिए और कारण आर देखिए, आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए पहले आप लोग। देखिए ऑप्शन सी है जो आपका, ये सही है, किंतु आर गलत, ये सही रहेगा। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। हाइड्रोजन को जलाने में जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन डी, पानी। अगला क्वेश्चन, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल।